मॉर्निंग पावर पावर उम्र में सारिया पी लिया रोशनी में सारिया जी लिया हर बार <तर गया। laughs> हर बार नीचा से पानी की चीज़ मौजूद है आपे आपे हेलो एक्सक्यूज मी हेलो ब्रदर हेलो ये चिल कर रहा है भाई आज कह रहे हॉलीडे मैं मना रहा हूँ असली गुड मॉर्निंग एवरीवन तो इस दिन की शुरुआत हो चुकी है अब मैं ढूंढ रहा हूँ कीचू को कीचू कहाँ चला गया है कीचू तो दिख ही नहीं रहा ये ऊपर वाले बंकर में कीचू मम्मा को पानी कर थैंक यू शीशे में आप देख सकते हो कि मैं व्लॉगिंग कैसे करता हूँ गुड मॉर्निंग हो चुकी है एक बर्गर आ चुका है काफी गर्मी नहीं होगी बाहर से आज हाँ। इसीलिए तो अपन बारबेक्यू लेकर आए तो हम लोग बीच जाने वाले हैं आज गर्मी का फायदा उठाएंगे कीचू और दिव्य यहाँ पे एक्सप्लोरिंग दिस रूम ये क्यूट है ना लेकिन कोजी सा रूम फायर फाइटर सीढ़ी चढ़ रहा है पूरी तेरी कसम तीन बार उसको ऊपर चढ़ाया नीचे तो मैंने ऊपर नहीं चढ़ पाता फाइनल फिर मैंने उसका हाथ और ऊपर रखवाया तब उसको समझाया कि अच्छा कीचू ना ऊपर चढ़ गया था तो मैंने सीढ़ी हटा दी यहाँ से तो अभी कह रहा हूँ नीचे कैसे आऊंगा पापा अरे हम है ना उतार लेंगे तेरे को बच्चे हमारा वैसे बीच पे निकलने का टाइम हो चुका है कीचू सोने का माहौल बना रहा है तो ऐसी होती है हॉलीडेज हमारी कपड़े वपड़े बदल रहे हैं बस सब लोग फिर निकलते हैं तो हम सब लोग रेडी हो चुके हैं बीच जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि कितने टाइम से नहीं गए सोच तो जब से हम दिल्ली शिफ्ट हुए थे कीचू सो रहा है उसको उठा के गाड़ी में बिठाएंगे आराम से और लेट्स लीव मैं बस अपना कैमरा वैमरा पैक कर रहा हूँ चल अभी निकला जाए अब घूमने मेरे को दे हाय निकल रहे हैं बस एक मिनट में तो इस जगह के आसपास बहुत सारे बीचेस हैं तो हम लोग अभी वही डिसाइड कर रहे थे कि कौन से वाले बीच पे जाना है तो अब समझ में आया कि यहाँ से 10 मिनट दूर एक बीच है तो अब बस हम गाड़ी लेके वहीं जा रहे हैं बीच पे आज हमारा लेक्चर है फोटोग्राफी के ऊपर तो सर हमारे साथ जा रहे हैं बीच के कपड़े देख जाके उतार दूंगा अच्छा अभी तो ऐसा लग रहा है कि प्रोफेसर जा रहे हैं ड्राइव करके और पीछे बैठा है पायलट टोपी पहन के फिली बीच जा रहे हम लोग पारी। और बाहर जाके हमारी पारी होएगी हमारी कार ये हम में हमारी पारी हो रही है लकीली हम लोगों को पार्किंग मिल गई है अब हम जा रहे हैं बीच पे हवा बहुत तेज है बहुत तेज हवा है वेरी नाइस
इधर तो ड्रोन भी नहीं उड़ पाएगा, इतनी तेज हवा है। ड्रोन उड़ जाए मतलब ड्रोन अपने आप उड़ जाएगा। कैसा लग रहा है? ऑलमोस्ट डेढ़ साल बाद हम बीच पर आ रहे हैं, एक डेढ़ साल बाद, एक साल में मार्च में गए थे लास्ट, फिर मार्च में हम यहाँ पे बीच पे। छोटू भी है हमारे साथ, छोटा सा कीचू। कीचू पास ड्राइव। कीचू? ओ कीचू। कितना चारा माँ। देखो कीचू और पापा कहाँ बैठे हैं, दिखाई नहीं दे रहे। कीचू डिक्की में बैठ के चिप्स खा रहा है। यहाँ पे सब लोग अपने कैरावास लेके रहने के लिए आ रहे हैं। हाँ चलेगा अंदर जाना? हाँ मैं जाता हूँ। डॉक्टर बुला रहे हैं मुझे, बारबेक्यू की जगह मिल गई लगता है इसको। कीचू के लिए ले ले, खेलने के लिए फ्रिज भी हम लोग खोलेंगे। ये इसकी बकेट और शॉवल। कीचू को मिल गया इसका केक। यहाँ पे दोनों गाड़ियाँ लगा ली हैं हम लोगों ने इसके साथ में। ये है पोर्टेबल बारबेक्यू। हाँ Yes. क्या बात है यार। ये बारबेक्यू की तैयारी। विटामिन डी ले रहे हैं हम। और कौन सा विटामिन ले रहे हो? और ये विटामिन सारे बाकी बी। यस आहा, क्या बात है। हेलो ब्रदर, हेलो ब्रदर। यहाँ पे चल रही है भाई पार्टी, बढ़िया वाली एकदम बारबेक्यू के साथ। तो इधर से हो रहा है पैकअप, सब सामान वामान डाले, दो ड्रोन शॉट भी आ गए, दो चार बढ़िया वाले। और कीचू महाराज गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी सुंदर जगह है, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं और वहाँ नीचे सामने बीच है और पहाड़ है, अभी हम आपको दिखाएंगे। ये देखो भाई क्या जगह है, ये अल्टीमेट। उसको एक्चुअली नींद आ चुकी है कीचू को। मैं बोल रही हूँ और ही हूँ मैं। और कीचू बेचारा नींद में है, कह रहे मुझे सुला दो बस, तुम बाकी जो मर्जी करते रहो। यार मज़ा आ गया आज, मतलब ये वाला एक्सपीरियंस हम अभी जब से आए हैं तब से ये वाला एक्सपीरियंस नहीं किया था, अब ये एक्सपीरियंस करने के बाद थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, समर्स का फील आ रहा है, नहीं तो विंटर्स आर वेरी डिप्रेसिंग। तो बस अब यहाँ से निकल रहे हैं, इसके बाद एक जगह पे और एक बीच है। तो आजीवासन में गणपति विसर्जन हो रहा था और जूहू में, और मुझे तब पता नहीं था कि इसको स्विमिंग आती है नहीं आती। ये भाई गणपति के साथ साथ ये बीच में चला गया और मैं इधर पे शिट, मैंने कहा ये बीच इतना अंदर तक चला गया था। उसको लग रहा था अभी आएगा कि नहीं, मेरे को ऐसे लग रहा था ये अर्जुन विसर्जन तो नहीं हो गया कहीं। नहीं भगवान ना करे। मैं सोच रही हूँ लेकिन मतलब जिसको बहुत अच्छी स्विमिंग आनी चाहिए आपको समंदर में स्विम करने के लिए,
पता नहीं, इसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था, मुझे बहुत डर लग रहा था, इतना डीप नहीं था, लेकिन वो हम लोग आ गए थे उसके यहाँ तक पानी, इससे ज्यादा क्या डीप होता है मुझे पता नहीं, यहाँ तक पानी था इसके। क्लासिकल ओल्ड मैकडॉनल्ड गाया जा रहा है फॉर कीचू के लिए लाइव परफॉर्मेंस। अब वी आर गोइंग टू ड्रिंकिंग डायनासोर, वो भी एक बीच है वहाँ पे, बेसिकली एक डायनासोर जैसा स्टोन है, स्टोन के लिए रॉक है, डायनासोर की शेप में, सकता है डायनासोर पानी पी रहा है, इसलिए इसको ड्रिंकिंग डायनासोर बोलते हैं। तो ये है यहाँ पे लाइट हाउस, और हम जाते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे ऐसा लगता है कि ड्रिंकिंग डायनासोर वाला फील आता है। दिव्या गाड़ी में बैठी है, उसने कहा तुम लोग नीचे सोया हुआ है तो हम उसको उठा नहीं रहे, हम सामने तक देख के आते हैं डायनासोर वाला। शिवेक और वो तो पहुँच गए हैं भाई, शिवेक और पहुँच गए, हाँ वो देख वहाँ पे खड़े हैं। सफर ये खत्म हो चला, जहन में सांसों में तू, रेस शिवेक की और डॉक्टर साहब की, जिसमें शिवेक जीतता हुआ, तभी शिवेक जीतता हुआ नजर आ रहा है। कम ऑन डॉक, ये सबको पूछता रहता है भाई, रेस करोगे रेस करोगे। ये देखो भाई अल्टीमेट जगह, काफ़ी खूबसूरत है ये, लेकिन काफ़ी दूर है, काफ़ी चल के आना पड़ा हमको, तो अच्छा वो दिव्या गाड़ी में बैठी हुई है, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं थी। फिर खींचू सो रहा ना, फिर हम बार बार उसको उठाते हैं, उसकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा थोड़ा सा शूट करके आता हूँ, देख के आता हूँ, और उसने कहा बोला कि हाँ मैं भी गाड़ी में बैठी हूँ, गाड़ी थोड़ा गर्म है। ये ऐसा लग रहा है कि एक डायनासोर पानी पी रहा है। तो अब यहाँ से निकलते हैं, बाय बाय, हॉट चॉकलेट का टाइम। मैं और किचू तो नहीं गए थे नीचे, बट ये लोग अच्छा हो गए। इतनी हवा लगी कान दर्द हो रहा है। ये छोड़ दिया हमने समुद्र, ये ज़्यादा अच्छी जगह है पता है वहाँ से। फाइनली हम लोग घर पहुँच गए, मैं अब जा रहा हूँ सोने के लिए, क्योंकि रात भर नींद नहीं मिलने वाली, क्योंकि वी विल ड्राइव बैक होम अराउंड 12 o'clock, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, सुबह मेरे को लंदन पहुँचना है। तो अभी मैं थोड़ी देर सो जाऊँगा, उसके बाद केक कटिंग करेंगे, फिर हम निकलेंगे, ठीक है भाई। 9:20 हो चुके हैं, तो 1.5 घंटे की नींद मुझे मिली है, बेटर देन नॉट स्लीपिंग। तो मैंने कहा अभी सो जाता हूँ अभी उठ के, अब मेरे को नाउ आई हैव टू फिनिश द व्लॉग जो कल आएगा, तो मैं जाके एक चाय पीता हूँ, उसका व्लॉग एडिट शुरू करता हूँ, वो ख़त्म करके तब तक 12 बज जाएंगे, ताई का बर्थडे केक काटेंगे, और उसके बाद वी विल मेक अ मूव बैक टू कोवेंट्री। चलते हैं हम नीचे, देखते हैं क्या हो रहा है। बाय, थैंक यू। इस समय बज रहे हैं रात के 12:15, 12 बजे केक कटिंग होगी, मैंने बस व्लॉग ख़त्म कर दिया अपना, और ये वाला वीडियो आज का यहीं पे ख़त्म करते हैं, केक कटिंग कल दिखाएंगे। इसके बाद केक कट करने के बाद 1.5 घंटे में वी विल लीव, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा, हमको बहुत मज़ा आया, हमने 3 से 4 लोकेशंस एक्सप्लोर किए, एंड इट वॉज अ वेरी चिल्ड आउट डे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग द चैनल, टेक केयर, सी यू टुमॉरो।